वन्य जीवों के शिकार के लिए बिजली की तार बिछाने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चामोर्शी तहसील के मारकंडा वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले गुंडापल्ली उपक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 196 में वन्य जीवों के शिकार के लिए बिजली की तार बिछाने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की शाम की गई इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी का नाम अड़पल्ली गांव निवासी हर्षित हेमंत मिस्त्री बताया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन्य जीवों का शिकार करने के लिए इन दिनों क्षेत्र के वनों में बिजली की मुख्य तार को जोड़कर जमीन में तार छोड़ी जा रही है। बिजली की तार से बड़ी संख्या में वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही मारकंडा कंसोबा वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी बीबी राउत ने अपनी टीम के साथ एफडीसीएम के कक्ष क्रमांक 196 में गश्त शुरू की। इस गश्त के दौरान बड़े पैमाने पर जमीन पर बिजली की तार बिछी होने का पाया गया। करीब 1.5 किलोमीटर तक यह तारें बिछाई गई थी। वन विभाग की टीम ने बड़ी ही सतर्कता से बिजली की आपूर्ति बंद कर वनों में बिछाई गई बिजली की तार को जब्त कर लिया। मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी हर्षित को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से भी बड़े पैमाने पर बिजली की तार और अन्य सामग्री जब्त किए गए। कार्रवाई से वन्य जीवों का शिकार करने वाले शिकारियों में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई आलापल्ली वन विभाग के उप वन संरक्षक राहुल सिंह टोलिया, प्रकाश निष्कासन अधिकारी बुधनबाग के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी राउत, गुंडापल्ली के क्षेत्र सहायक बड़े तिवार, रेजवाही के क्षेत्र सहायक मांडवकर, वनपाल छेल के कुड़ावले, सड़मेक, कोकनरे, हजारे, लिप्ते, परसवार आदि ने की। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए गढ़चिरौली से प्रतिनिधि भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट।